हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, DSSSBPRT 2024 के लिए CDP के इस बैच को हम आगे बढ़ाते हुए आज यूनिट नंबर 4th को कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट क्लास है यूनिट नंबर 4 की, या यूं कह लो 502 ब्लॉक आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितनी इसमें यूनिट थी वो आज फाइनल हो जाएगी। और ये है आपकी क्लास नंबर 38। अगर आपने इससे पहली क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर से देखना, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कोऑपरेटिव वर्सेस कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग से न जाने कितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उन सभी, और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है बच्चों को, तो आज वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं वो भी हम इसी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, फिर इनके बीच में डिफरेंस भी हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग का। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, पहले मैं एक बार आपके माइंड में ना इसकी इमेज बना दूं तब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये पहले वाली इमेज है जिसमें लिखा हुआ है कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन। कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपना एक अलग टास्क दे दिया जाता है और वो सब मिलकर के, ठीक है, सबको एक एक टास्क मिलेगा और सब आपस में जोड़ करके फिर एक जो है कंबाइंड सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, या सबको आपस में जोड़ करके एक फाइनल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ सबकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। ठीक है, कोऑपरेशन में यानी सहकारी अधिगम में। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव लर्निंग की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर पूरे ग्रुप का इक्वली रोल रहता है ना, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है एक ही टास्क को पूरा करने में। यहाँ सबके अलग अलग टास्क थे, है ना, मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे से टास्क में डिवाइड करके एक एक को अपना अपना हिस्सा दे दिया जाता था कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, और पूरा मिल करके फिर एक प्रोजेक्ट तैयार होता था। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक प्रोजेक्ट पर सब एक साथ मिल करके काम करते हैं, यानी कोई उनकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो सब मिलकर एक ही काम को पूरा करने में लगे हुए होते हैं, एक ही गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये ओवरव्यू होगा। अब चलो, इसको हो गया है, अब इसको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है चलिए समझते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एम्स टू अचीव एकेडमिक अचीवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग का एम होता है कि भैया बच्चों में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के ही हम पॉइंट ऑफ व्यू से जान रहे हैं, एकेडमिक डेवलपमेंट करना, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि जो है उनको प्राप्त करवाना, साथ ही बच्चे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ग्रुप में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने वाली उनकी जो स्किल्स है वो बढ़ेगी, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होगा उनकी, है ना, जैसे टीम वर्क और कोलैबोरेशन, है ना, ये सारी चीज़ें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, तो सोशल स्किल्स भी बच्चे के अंदर डेवलप होंगे, ये एम रहता है कोऑपरेटिव लर्निंग का। वहीं ये अप्रोच जो है वो स्मॉल ग्रुप्स में जो है लागू होता है, यानी छोटे छोटे समूह क्लासरूम में बना देता है टीचर, और इसमें बच्चों की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहती है, यानी व्यक्तिगत जवाबदेही रहती है जो काम उनको दिए जाता है उसके प्रति, और साथ ही उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। एंड इसमें जो सिस्टम होता है वो ग्रुप रिवार्ड का होता है, यानी पूरे ग्रुप को एक साथ सम्मान मिलता है, इंडिविजुअली यहाँ पर जो है रिवार्ड नहीं मिलता, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप को रिवार्ड दिया जाता है, किसमें, कोऑपरेटिव लर्निंग में। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। दिस अप्रोच यूजेस स्मॉल ग्रुप्स विद डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस
इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ग्रुप रिवार्ड्स। यहाँ पर दोस्तों हर एक लाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको हर लाइन से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन उठ करके एज इट इज आया हुआ देखने को मिल जाएगा विदाउट चेंजिंग ए सिंगल वर्ड, ठीक है, बिना किसी एक भी वर्ड के इधर उधर के हेर फेर के एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस पेपर में। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली तो यही है कि इसमें बच्चों को ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व किया जाता है, और ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस मतलब विषम समूह, जिसमें विषम समूह का मतलब क्या है, हेटरोजीनियस ग्रुप से क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि पूरा ग्रुप में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, है ना। यानी जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कम है, और जो लो लर्नर्स है या लो अचीवर्स है, उन सबको यहाँ पर एक साथ रखा जाएगा, है ना, बिना किसी जाति या कल्चर के भेदभाव के सबको एक साथ यहाँ पर मौका मिलेगा इन्वॉल्व होने का। जेंडर डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, हर एक भिन्न भिन्न जो है, मतलब सबको ना यहाँ पर, हेटरोजीनियस ग्रुप का मतलब ये है कि मान लीजिए लड़का भी होगा उस ग्रुप में, है ना, लड़की भी होगी। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि सारे एक कास्ट के ना हो, है ना, अलग अलग कास्ट के हो, अलग अलग जेंडर हो, भाई लड़का या लड़की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जो है डाइवर्स ग्रुप बना दिया जाता है, हेटरोजीनियस ग्रुप बना दिया जाता है। इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पर पूरे ग्रुप को जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, ना कि इंडिविजुअल को, ठीक है। तो जो ग्रुप ओरिएंटेड रिवॉर्ड सिस्टम इसमें रहता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, इसका लाभ ये है कि अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग का जो है इस्तेमाल करते तो बच्चों का एक तो अकेडमिक जो डेवलपमेंट है वो भी होएगा, है ना, जो उसके अकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स है, वो भी अचीव करेगा बच्चा। साथ ही उसको कोलैबोरेटिव बिहेवियर यानी सहयोगी व्यवहार, एक दूसरे का सहयोग करने वाला व्यवहार भी बच्चों में डेवलप होगा, और साथ ही साथ क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, ठीक है। अंतर सांस्कृतिक समझ बच्चे के अंदर डेवलप होगी, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, उनके आपस में रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड स्टूडेंट, जो बच्चे डिसेबल्ड है उनके प्रति उनमें सकारात्मक जो विचार है वो डेवलप होंगे। तो ये सब क्या है, बेनिफिट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग के, ठीक है, ये सारे क्या है, बेनिफिट्स है। अब हम बात करते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या उसके एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, या क्या क्या तत्व जो है एक कोऑपरेटिव लर्निंग में होने चाहिए। पहला तो यही है कि समूह में जितने भी बालक हो या जितने भी बच्चे हो, सबकी एक दूसरे पर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस रहती है, यानी एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से निर्भर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के एफर्ट्स को जो है वो प्रेज करते हैं, है ना। साथ ही फुल पार्टिसिपेशन रहता है एंड एफर्ट्स फ्रॉम ईच मेंबर, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एंड देयर ग्रुप्स लर्निंग, यानी खुद की परफॉर्मेंस पर सीमित ना रह करके बच्चे ग्रुप में जो भी उनके मेंबर्स होंगे, या यूं कह लो ग्रुप्स में और भी बच्चे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस पर भी वो फोकस करेंगे। क्यों, अब मान के चलो कोई गेम है, कैसे मान के चल सकते हैं, हम मान के चलिए कौन सा खेल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ग्रुप में रनिंग हो रही है, ठीक है, यहां पर इसको मैं ऐसे इस एग्जांपल से ज्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगी कि मान लीजिए दो टीम है, टीम ए टीम बी, ठीक है, चार से पांच बच्चे इधर है भैया, पूरा अलग अलग आप बोल सकते हैं कि हेटरोजीनियस ग्रुप बने हुए है। अब इसमें एक बच्चा है जो मान के चलिए जिसको वो खेल बिल्कुल नहीं आता, है ना, एक है उस गेम में परफेक्ट है, ऐसा ही इस वाली टीम में है, तो यहाँ पर ना अपने ग्रुप को जिताने के लिए जो बच्चा परफेक्ट है ना, वो दूसरे की भी मदद करेगा कि इसको ऐसे खेला जाए, है ना, या ऐसे दौड़ा जाए, हम इस तरीके से भागेंगे तो जीत जाएंगे, तुम ऐसा करना, है ना, एक दूसरे को वो क्या करते हैं, ग्रुप लर्निंग को सपोर्ट करते हैं सिर्फ अपने अपने पर ध्यान ना दे करके। ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि बच्चे के लिए कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया कि भैया पाँच बच्चे हैं, मान लीजिए ए टीम
में और 5 बच्चे बी टीम में है, और टीचर ने कहा कि कल आपका जो है टेस्ट होगा और जो जो टीम जीतेगी उसको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे 5 बच्चों में कोई भैया वीक है ना, कोई बहुत ही अच्छी तरीके से जिसको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना, कोई मॉडरेट है, तो वे सारे एक दूसरे की मदद करेंगे उसको आगे बढ़ाने में, अपने साथी को भी, ताकि उनका ग्रुप जीत सके। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा ना सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बल्कि अपने ग्रुप मेंबर्स की भी जिम्मेदारी लेता है, इसीलिए आपस में पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इनकी बनी रहती है। सेकेंड है प्रमोटिंग फेस टू फेस इंट्रैक्शन। ये जो है बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन का रीजन बनेगा कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव में, क्योंकि कोऑपरेटिव में हमेशा फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, कोलैबोरेटिव में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मेंबर्स प्रमोट ईच अदर्स सक्सेस, यहाँ पर एक दूसरे की सफलता को बढ़ावा देते हैं ग्रुप के मेंबर्स, एंड एक्सप्लेनिंग एंड असिस्टिंग इन असाइनमेंट्स, ठीक है, एक दूसरे को समझाने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ मदद करते हैं। साथ ही इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यानी व्यक्तिगत जवाबदेही, ईच स्टूडेंट मस्ट मास्टर द कंटेंट एंड बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। यहाँ पर व्यक्तिगत जवाबदेही होगी, जो उसको करने के लिए दिया गया है काम, है ना, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा या उसके लिए जवाबदेह होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहती है अपने काम के प्रति। ईच स्टूडेंट मस्ट मास्टर द कंटेंट एंड बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, ठीक है। प्रत्येक छात्र को सामग्री में महारत हासिल करनी चाहिए और अपने कार्य के लिए यहाँ पर जवाबदेह होना चाहिए। ये किसकी विशेषताएं हम जान रहे हैं, ये किसके तत्व हम पढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग के। सोशल स्किल, कोऑपरेटिव लर्निंग की हेल्प से हम बच्चों में सामाजिक कौशल का भी विकास कर सकते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, है ना, लीडरशिप क्वालिटी हो गया, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारे जो सोशल स्किल्स होते हैं, टीम वर्क, इन सब को हम डेवलप कर सकते हैं कोऑपरेटिव जो है लर्निंग की हेल्प से। साथ ही ग्रुप प्रोसेसिंग यानी ग्रुप एसेस देयर इफेक्टिवनेस एंड डिसाइड हाउ टू इम्प्रूव। यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में सब मिलके मूल्यांकन करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे सुधार किया जा सकता है अपने पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस पर, ठीक है। साथ ही अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग के, देखो जो मैंने अभी आपको सारे के सारे तत्व बताए वही इसमें बताया गया है कि ग्रुप फॉर्मेशन पर ध्यान दिया जाता है कि हेट्रोजीनियस हो, है ना, एक दूसरे पर पॉजिटिव डिपेंडेंट रहेंगे जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहेगी, पॉजिटिव इंट्रैक्शन रहेगा और इंक्लूजन को प्रमोट किया जाएगा, ग्रुप मेंबर्स सारे इंक्लूड हो, है ना, इंक्लूजन हो, सब अपने अपने विचार रखे, सबको मौका दिया जाए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इक्वली दी जाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों गाइडलाइंस ऑफ यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग। भैया क्लास में आप एज ए टीचर अगर कोऑपरेटिव लर्निंग जो है यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होने चाहिए ये वाली गाइडलाइंस, ये दिशा निर्देश आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, चलो देखते हैं। पहले तो गाइडलाइन यही है कि आपके ग्रुप की जो लिमिट होगी ना उसमें मेंबर्स की, उसका साइज 3 से 5 जो मेंबर्स है उतने ही होने चाहिए, ठीक है। सो 3 to 5 मेंबर्स ही आपके ग्रुप में होना चाहिए। दूसरी गाइडलाइन ये है कि ग्रुप आप जो बनाएंगे वो विषम हो यानी हेटरोजीनियस हो, अभी हमने ऊपर देखा। इसके अलावा असाइन स्पेसिफिक रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच स्टूडेंट। जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो हर स्टूडेंट को स्पेसिफिक गोल दिया जाता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है प्रत्येक विद्यार्थी को। यूज कोऑपरेटिव लर्निंग एज ए सप्लीमेंटल एक्टिविटी, आपको एक पूरे गतिविधि के रूप में उपयोग करनी है। साथ ही कंसिडर रूम अरेंजमेंट, आपको जब आप ये कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी कराएं तो रूम का अरेंजमेंट हो, है ना, टास्क में जो जो मटेरियल चाहिए उसका आप पहले से ही निर्धारित कर लीजिए, टाइम फ्रेम कर लीजिए कि भाई समय सीमा कितनी रहेगी हमारी इस एक्टिविटी के लिए। ये सब टीचर्स के लिए गाइडलाइन है, ना कि बच्चे के लिए। ग्रेड इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, व्यक्तिगत योगदान को यहाँ पर ग्रेड दी जाती है,
ठीक है, कि बच्चा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन रिवार्ड मिलेगा ग्रुप, पूरे ग्रुप को, ठीक है, प्रोवाइड ग्रुप रिवार्ड, ताकि आपस में वो एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे को आगे ले जाने में मदद करे, ठीक है। ये हो गई गाइडलाइंस कोऑपरेटिव लर्निंग की। अब हम बात करेंगे टीचर का रोल क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल में, फटाफट इसको मोटा मोटा सा देख लेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में पहला तो यही है कि सबसे पहले टीचर का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो वो लेसन पढ़ाने जा रहा है इस एक्टिविटी की हेल्प से, कोऑपरेटिव लर्निंग की हेल्प से, उसका गोल जो है या लर्निंग सेट जो है वो बच्चे के सामने रखे कि हमारा इस चैप्टर को या इस लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। साथ ही सेकंड स्टेप ये है टीचर के लिए कि प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, फिर उस लेसन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के सामने वर्बली या टेक्स्ट मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट करे, ओके। थर्ड स्टेप टीचर के लिए, थर्ड फेज में टीचर क्या करेगा, ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स इनटू लर्निंग टीम्स। पहले बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बच्चों को समझा दी। तीसरे फेज में टीचर का काम ये है कि वो ग्रुप बनाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स इनटू लर्निंग टीम्स, वो टीम बनाए या ग्रुप बनाए बच्चों का, ठीक है। फोर्थ है असिस्ट टीम वर्क एंड स्टडी। अब भैया ग्रुप बना दिए, बच्चे को टास्क दे दिया आपने, अब टीचर का चौथा फेज में क्या काम रहेगा कि वो ऑब्जर्व करेगा, असिस्ट करेगा उन टीम्स को, ठीक है, असिस्ट करने का काम रहेगा। पांचवा है टेस्ट ऑन द मटेरियल्स, टीचर लिस्ट नॉलेज ऑफ लर्निंग मटेरियल। टीचर क्या करेगा, बच्चे ने जो भी बच्चे का रिजल्ट रहा है ना उनके ग्रुप में, उसको नोट डाउन करेगा, ठीक है, और उसकी लिस्ट बनाएगा, ठीक है, लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड बच्चों के जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड टीचर यहाँ पर लिस्ट बनाएगा। साथ ही प्रोवाइड रिकॉग्निशन, इसके बाद बच्चा ये फाइंड वो सॉरी टीचर का काम ये होगा कि वो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के एफर्ट्स और अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करे, समझे, उनको वैल्यू दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ग्रेड दी जाती है, लेकिन जो रिवार्ड है वो दिया जाएगा ग्रुप में, तो यहाँ पर इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों ही तरह के एफर्ट्स को टीचर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, रिकॉग्निशन दिलाता है। तो ये हो गया टीचर का रोल। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, या लिमिटेशंस क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले लाभ देख लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। पहला तो यही है कि कोऑपरेटिव लर्निंग की हेल्प से बच्चे जो है बहुत इंटरेस्टिंगली जो भी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। दूसरा है इफेक्टिवनेस अक्रॉस एबिलिटीज, यानी बच्चे जो है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप में काम करते हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं और उसको प्रभावी बनाते हैं। और भी एथेनिक इंक्लूसिविटी, सभी जाति समूह के लिए प्रभावी होता है, क्योंकि ग्रुप कैसे होते हैं इसमें हेट्रोजीनियस होते हैं, बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर समूह बनाया जाता है। साथ ही इनहेंस परसेप्शन, बच्चे की जो परसेप्शन है, धारणाएं हैं, वो इम्प्रूव होती है साथ में काम करने से, है ना। मान के चलो बच्चे के मन में पहले से कोई स्टीरियोटाइप था कि भैया इस कास्ट का बच्चे का दोस्त नहीं बनना चाहिए, है ना, ये अच्छे नहीं होते। अब बच्चे की ये परसेप्शन बना हुआ था पहले से, लेकिन जब उसने ग्रुप में काम किया है ना उस बच्चे के साथ, तो उसकी वो धारणा जो है यहाँ पर क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई या चेंज हो गई। उसने देखा नहीं भाई ये तो अच्छे होते हैं, है ना, ऐसा गलत बोलते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे का परसेप्शन भी बेहतर होता है और सेल्फ इस्टीम, उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा ब्रेकिंग बैरियर्स, यानी बाधाएं तोड़ने का काम भी करते हैं। बाधाएं तोड़ने का मतलब जो हमारी सोसाइटी ने क्या बोलते हैं उनको, सोसाइटी ने जो बैरियर्स बनाए हुए हैं उनको भी तोड़ने का काम करती है कोऑपरेटिव लर्निंग। ड्यू टू जेंडर, कि भैया लड़के लड़के के साथ ही काम करेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ, ऐसा होता है बहुत सारे स्कूलों में देखने को मिलता है। लड़के जब वही चीज़ें उनको सिखाई गई है तो बोलते हैं कि नहीं लड़कियों के ग्रुप में मुझे क्यों रख दिया, है ना। तो ये चीज़ें फिर इनको ख़त्म करने में भी ये हेल्प करता है कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है।
सो हेल्प्स ब्रेक डाउन डिफरेंसेस ड्यू टू जेंडर सोशल कैटेगरी एंड फिजिकल मेंटल चैलेंजेस प्रमोटिंग पॉजिटिव इंट्रैक्शन एंड फ्रेंडशिप्स. तो ये सारे हो गए इसके एडवांटेजेस. लिमिटेशंस की अगर हम बात करें क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, तो पहले तो यही है कि टीचर जिसको कि पूरी जानकारी ना हो, जिसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो जो है कन्फ्यूज़न का यहाँ पर शिकार हो सकता है कोऑपरेटिव लर्निंग को कराने के समय. ठीक है, वो कन्फ्यूज़ हो सकता है कि कैसे अब क्या करना है ना, तो कन्फ्यूज़न में सारी एक्टिविटी इधर उधर हो जाएगी. सेकेंड है स्टूडेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब है छात्रों का प्रतिरोध. इससे क्या मतलब, आप कहेंगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि मैम बच्चे जो इंटरेस्ट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब ये प्रतिरोध वाली भावना क्यों आएंगी? ये इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे को लगता है कि वो अपने टीममेट की वजह से हार गया है ना, कि मैम इसको नहीं आता था इसकी वजह से पूरा ग्रुप हार गया, तो इस वजह से कई बार बच्चे प्रतिरोध भी करने लगते हैं. तो ये इस कोऑपरेटिव लर्निंग की लिमिटेशंस है. आई होप आपको ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. मुझे लगता है ना कि आज क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है और अभी हमारा एक ही टॉपिक कवर हुआ है, जबकि लगातार हम बिना इधर उधर की बात करे कंटिन्यू जो है इसको पढ़ रहे हैं. कोई नहीं, चलो जितना भी होगा आज 30 मिनट तक हमको जितना भी कर पाएंगे उतना करेंगे आज. ओके, बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए इन टॉपिक्स से, तो क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़िया है. कोलैबोरेटिव लर्निंग की चलो बात कर लेते हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग सबको समझ में आ गया. कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम. ये क्या होता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ जनरलाइज्ड अप्रोच वेयर टू और मोर पीपल लर्न टुगेदर. यहाँ पर ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सहयोगात्मक अधिगम है, ये एक ऐसा जनरलाइज्ड अप्रोच है जहां दो या दो से अधिक लोग एक साथ सीखते हैं. नॉलेज इज क्रिएटेड विद इन ए ग्रुप वेयर मेंबर्स शेयर एक्सपीरियंसेस एंड टेक इक्वल रोल्स. यहाँ पर जो है जो ज्ञान का निर्माण होता है ना, वो आपस में एक दूसरे के अनुभव से जो है बच्चे ज़्यादातर करते हैं, और सबकी यहाँ पर समान भूमिका होती है एक ग्रुप में, है ना, सबकी इक्वली रेस्पॉन्सिबल होते हैं. वहाँ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, यहाँ पर सबकी एक ही आप कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने ग्रुप में उनको इक्वल रोल्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डिस्कसिंग ए लेक्चर, यानी बच्चे जो है एक लेक्चर पर चर्चा कर रहे हैं, या ये कह लो कि आपस में बच्चे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या डिस्कस करने में उनका रोल डिसाइड होता है कि भैया तुम इतना डिस्कस करोगे, तुम इतना डिस्कस करोगे? क्या उनकी इंडिविजुअल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती? नहीं ना, यहाँ तो वे सब के सब अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से एक साथ मिल करके उस पर डिस्कस करेंगे, ना कि ये कि भाई तुमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया, अब भैया ये तुम बताओगे, इस बात पर तुम चर्चा करोगे और फिर मिल करके एक कंक्लूजन निकलेगा. ऐसा नहीं होगा, ये वाला मेथड चलता था कोऑपरेटिव लर्निंग में. लेकिन ये जो मैंने आपको बताया जहाँ सबकी इक्वल रोल होते हैं, ये होता है हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग में. ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया. इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल वर्किंग टुगेदर ऑनलाइन. ठीक है, ये ऑनलाइन वाला वर्ड जहाँ आपको दिख जाएगा ना कि बच्चे ऑनलाइन ग्रुप में बैठ करके चीज़ें समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन देखते ही आपको समझ जाना है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो रही है. क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, बच्चे एक ही स्थान पर प्रेजेंट रह करके, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, एक जगह पर रहकर ही जो है वो ग्रुप में काम करते हैं. लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जो है ऑनलाइन किसी जो है वीडियो कॉल की हेल्प से, है ना, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वीडियो चैट की हेल्प से, है ना, कहीं से भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके. ज़रूरी नहीं होता कि एट ए टाइम जो है सब एक साथ मौजूद हो. आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा ये डिफरेंस भी, जिस पर मैं इतना जोर दे रही हूँ. चलो देखो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. अब देखो, अब आपको क्लियर हो जाएगा एकदम इन दोनों के बीच में क्या अंतर है.
है ना, क्योंकि मैंने इस पर आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम ग्रुप में, और वहां पर आप में से लगभग जो है ज्यादातर बच्चों ने गलत ही आंसर उसका किया। ठीक है, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था प्रीवियस पेपर का, ज्यादातर बच्चों ने गलत ही आंसर उसमें किया है। अब देखो, अब के बाद नहीं होगा आपसे गलत। पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। कैन हैपन्स एनी टाइम स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर। यहाँ क्या कहा है कि छात्र जो है एक साथ काम करने के लिए कभी भी एक साथ जो है एनी टाइम दे वर्क टुगेदर, ये कभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में एक ही जगह स्कूल के टाइम में बैठ करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बच्चे काम करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कोलैबोरेटिव में वे कभी भी कहीं भी है ना एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट इन स्मॉल ग्रुप्स और एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए क्या बोलते हैं एट द सेम प्लेस। ठीक है, एट द सेम प्लेस आप नोट कर लो इसको, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये शायद इसमें नहीं लिखी है। अगला पॉइंट देखो, फोकस ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ना क्वालिटेटिव एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड पर यानी मात्रात्मक तरीकों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर का क्या रोल रहता है, टीचर जो है सारी की सारी अथॉरिटी ग्रुप के मेंबर्स को दे देता है ना, यहाँ टीचर का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर की अथॉरिटी जो है वो टीचर के पास ही रहती है, टीचर ही उनको गाइड करेगा कि भाई तुम अब ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, है ना, उनको गाइड करता रहेगा, उनको ऑब्जर्व करता रहेगा। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में बच्चे जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। समझ में आ गया, ये बड़े डिफरेंस थे इसके बीच में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। अब चलो कोलैबोरेटिव लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे, अब इसके बेनिफिट्स देखेंगे क्या क्या बेनिफिट्स है। पहला तो यही है, सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क विद डाइवर्स पीपल। यहाँ पर बच्चे भिन्न भिन्न लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्लास के बच्चे ही आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, नहीं, ये ऑनलाइन की हेल्प से दूसरे किसी स्कूल के बच्चों के साथ भी जुड़ करके काम कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री के बच्चों के साथ भी किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ मिल करके काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विविध लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। दूसरा है एक्नोलेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। डिफरेंट रेस्पॉन्स इज हेल्प क्रिएट ए कॉम्प्रीहेंसिव प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न बच्चे एक ही मुद्दे पर अपनी अपनी व्यापक रूप से प्रतिक्रियाएं देंगे, तो इससे एक बेहतर जो है रिजल्ट निकलने में जो बेहतर रिजल्ट निकलने में हेल्प मिलती है। थर्ड है इंटरपर्सनल डेवलपमेंट। जब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ग्रुप में, तो इससे उनके सोशल स्किल्स का भी इम्प्रूवमेंट होता है, सामाजिक कौशल का भी जो सुधार होता है। ये वाला बेनिफिट हमें उसमें भी देखने को मिले थे, है ना, ये बेनिफिट्स तो उसमें भी थे, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। स्टूडेंट्स जो है खुद से इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप में और एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टीचर ग्रुप बना रहे थे, जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऐसा नहीं होता, यहाँ बच्चे खुद से ग्रुप बनाएंगे, यहाँ टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चों का लर्निंग में। लास्ट है पर्सनल फीडबैक। मोर पर्सनल फीडबैक इज पॉसिबल इन स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है जी, तो यहाँ हम समझे, इसके अलावा दिस मेथड अलाउज फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड ऑनलाइन इंट्रेक्शन। यहाँ पर फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी होगी और ऑनलाइन इंट्रेक्शन भी, दोनों तरीके से चल सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, या फिर इसको कल कर लेते हैं, ये हमारा तीसरा अप्रोच रह जाएगा। दो अप्रोच हमने कंप्लीट कर लिए इस यूनिट के, तीसरा है। ठीक है, जो हमने लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये जो कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग मैंने आज आपको बताई, ये उसी का ही पार्ट है। ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है, तो इसलिए अब हमारा लास्ट अप्रोच रह जाता है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। इसके बाद देन हम करेंगे इम्पोर्टेंट आपके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, हम मैंने इन्वॉल्व किए हैं आपके 2022 के, 2019 के जितने भी अब तक हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, ताकि बहुत ही बेहतर आपकी जो तैयारी है वो हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि सच में मेरा मोटिवेशन आपको इन क्लासेस के प्रति, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैं अपने काम पर और ज़्यादा फोकस करूँ, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, आपका रिस्पॉन्स ढंग से नहीं आ रहा है, आप लोग लाइक भी नहीं करते ना शेयर करते, तो फिर सच में मेरा मन नहीं होता आपकी क्लास लेने का। तो प्लीज़ अगर आपको है ज़रूरत इस क्लास की, तो फिर थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाया करिए, शेयर वेयर कर दिया करिए, ताकि बच्चों तक पहुँचे क्लास। तो चलिए, अभी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।